माई डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं से हम सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हम सभी लोग अब भाग सेकंड जो है हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोस में हम सभी लोगों ने हायर एजुकेशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय महाविद्यालय के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम सभी लोगों ने संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के बारे में पढ़ा और फिर हम लोगों ने उच्चतर शिक्षा से संबंधित समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर इसके बारे में पढ़ा। फिर सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों के सहयोग के संबंध में हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या कुछ रिकमेंडेशंस रही हैं उसके बारे में पढ़ा। और फिर उसके उपरांत प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय, और फिर हम लोगों ने उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश और उसके उपरांत शिक्षक शिक्षा के बारे में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम सभी लोग व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 में प्रिय विद्यार्थियों व्यावसायिक शिक्षा के नवीन आकल्पन के तहत क्या कुछ नया है या क्या कुछ जो है नई नीतियां बनाई गई हैं इसके बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में चर्चा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास के पूर्व जितनी भी कक्षाएं रही हैं, जितने भी वीडियोज हैं, वो सभी प्लेलिस्ट में हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए इसके पूर्व आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सिलेक्ट करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, एक बेल या घंटी का आकार होगा, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव को हम तक पहुँचा सकते हैं, या यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर करिए अधिक से अधिक। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए।
चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में, इस वीडियो में, इस क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या जिसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के नवीन आकल्पन या री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन के तहत क्या कुछ प्रावधान किया गया है, क्या कुछ नीतियां बनाई गई हैं, उसके बारे में आज की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी लोग उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन री इमेजिन द वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात री इमेजिनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ नीतियां बनाई गई हैं, कैसे वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन होगा आने वाले समय में, उसके बारे में हम सभी लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, क्या कुछ कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कहा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चलती है, 2012 से 2017 तक की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी प्रिय विद्यार्थियों, उसके अनुमान के अनुसार 19 से लेकर के 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत, दैट इज 5% से कम लोग, अत्यंत ही कम प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96% लोगों ने जो है व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ डेटा दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और वो आंकड़े कौन से हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो आंकड़े जो हैं, वो आंकड़े प्रिय विद्यार्थियों हैं, वो आंकड़े 12वीं पंचवर्षीय योजना के हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि 2012 से 2017 तक जिसका पीरियड था, उसमें कहा गया कि हमारे देश में, भारत में 19 से लेकर के 24 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले भारतीयों के कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत, दैट इज 5% से कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, अर्थात जिसको हम लोग फॉर्मल जो है वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उस फॉर्मल एजुकेशन को लेने वालों की संख्या अत्यंत ही कम है, जो कि 5% से भी कम है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग जो है अन्य देशों से तुलना करते हैं, प्रिय विद्यार्थियों यदि अन्य देशों से तुलना की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 52% लोग, जर्मनी में लगभग 75% लोग और दक्षिण कोरिया में बहुत ही अधिक, दैट इज 96% लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन ली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में या नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे पहले जो है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस 12वीं पंचवर्षीय योजना के एक आंकड़े दिखाया गया, एक डेटा दिया गया, जिसके अनुसार 19 से लेकर के 24 वर्ष के आयु वर्ग वाले भारतीयों में जो फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन लेने वालों की संख्या है, औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या वो बहुत ही कम है, जो कि 5% से भी कम है। द 12th फाइव ईयर प्लान, दैट इज 2012 टू 2017, एस्टिमेटेड दैट ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 19 टू 24, लेस देन 5% रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन, वेयर इज इन कंट्रीज सच एज द USA द नंबर ऑफ इज 52%, इन जर्मनी 75%, इन साउथ कोरिया इट इज एज हाई एज 96%। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोग जो है अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और विश्व गुरु बनाने के लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो हम यह देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन में हम कहाँ पे ठहरते हैं, जिसके लिए जो 12th फाइव ईयर प्लान 2012 से 17 का समय है, उस समय के डेटा को, उस समय के आंकड़ों को लिया गया है और कहा गया कि उस समय के दौरान पांचवा जो प्लान था प्रिय विद्यार्थियों, जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था, इस 12th फाइव ईयर प्लान जो था प्रिय विद्यार्थियों, इस 12th फाइव ईयर प्लान या 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय में सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की, जबकि उसी पीरियड में बात करें अन्य देशों की, तो USA में 52% लोगों ने,
जर्मनी में 75% लोगों ने और साउथ कोरिया में बहुत ही अधिक संख्या है, दैट इज 96% लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जो फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन है, इसमें जो है इनरोलमेंट बहुत ही कम है, इसमें नामांकन बहुत ही कम है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो व्यावसायिक शिक्षा से काफ़ी दूर है, बहुत ही कोसों दूर है, अर्थात बहुत से कम ही युवा पीढ़ी जो है फॉर्मल व्यावसायिक एजुकेशन या फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर पा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चिंता को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शामिल किया गया, इस चिंता को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसको देखा गया और इस चिंता की व्याख्या करते हुए कहा गया कि ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी अस्पष्टता से रेखांकित करती हैं। चूंकि हमारे देश में जो युवा वर्ग है वो 5% से कम ही युवा वर्ग है जो कि फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त किया है, इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका प्रसार किया जाए। तो व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार को तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी तरह से यह जो डेटा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, वो जो है इसकी नीड को, इसकी आवश्यकता को रेखांकित करता है। दीज नंबर्स ओनली अंडरलाइन द अर्जेंसी ऑफ द नीड टू हैसन द स्पिरिट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारे देश भारत में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता है। और ये जो आंकड़ा है, जो डेटा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5% से कम ही युवा जो है फॉर्मल जो है वोकेशनल एजुकेशन या औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त कर पाया है 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो यह स्पष्ट करता है कि हमारे देश में कितनी अधिक आवश्यकता है कि फॉर्मल एजुकेशनल या फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके प्रसार में तेजी लाने की अत्यंत ही आवश्यकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11 और 12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉप आउट्स पर केंद्रित थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन कारणों के बारे में भी जो है डिस्कस किया गया है, उन कारणों की भी व्याख्या की गई है जिसकी वजह से फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन या औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा में जो नामांकन है, जो इनरोलमेंट है, वो बहुत कम है। उसके संबंध में कहा गया है कि इसका एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11 और 12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉप आउट्स पर केंद्रित थी। प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही बड़ा कारण है कि जो व्यावसायिक शिक्षा अतीत में रही वोकेशनल एजुकेशन, यह माना जाता था कि व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन उनके लिए है जो कि कक्षा 11 और 12 में या कक्षा 8 या उससे ऊपर के कक्षा में अपने अध्ययन को, पढ़ाई को किसी भी कारण से छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं, कोई भी कारण हो, ऐसे छात्रों के लिए जो व्यावसायिक शिक्षा अर्थात जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, या व्यावसायिक शिक्षा ऐसे ही छात्रों के लिए है जो ड्रॉप आउट कैटेगरी में, अर्थात जिन्होंने किसी कारण से कक्षा 9, 10, 11, 12 या 8 की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी शिक्षा आगे की शिक्षा को कंटिन्यू करना ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, स्टॉप कर दिया है, अर्थात जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए वोकेशनल एजुकेशन है। चूंकि ये भावना प्रारंभ से ही बनी रही है, अतीत काल में बनी रही है व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में, इसीलिए जो हमारे यहाँ के अच्छे बच्चे हैं या जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं या जिनकी लर्निंग आउटकम्स अधिक है, जो तीव्र गति से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे बच्चे जो है व्यावसायिक शिक्षा में नहीं जाते हैं, व्यावसायिक शिक्षा में इनरोलमेंट नहीं कराते हैं, उसके प्रति उनकी रुचि नहीं थी। और इसी की वजह से व्यावसायिक शिक्षा में हमारे देश में जो इनरोलमेंट है, जो नामांकन है, वो अत्यंत ही कम है। प्रिय विद्यार्थियों, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग वोकेशनल एजुकेशन इज द फैक्ट दैट वोकेशनल एजुकेशन हैज इन द पास्ट फोकस्ड लार्जली ऑन ग्रेड्स 11 एंड 12 एंड ऑन ड्रॉप आउट्स इन
ग्रेड 8 इन अपवाज। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे उन कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो प्राइमरी रीजन्स है स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात वोकेशनल एजुकेशन लेने वालों की जो संख्या बहुत कम है, उसके उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए कक्षा 11 और 12 को देखा जाता था कि जब कक्षा 11 और 12 में छात्र जाएगा तो वहां पे किसी व्यवसाय का चयन करेगा, कोई व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करेगा, या फिर जो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जो कक्षा 8 9 10 11 12 ऐसे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वे व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, या कक्षा 11 और 12 में जब छात्र जाएगा तो वहां पे कोई व्यवसायिक शिक्षा में अपना नामांकन कराएगा, कोई वोकेशनल एजुकेशन लेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जो नामांकन है या छात्रों की संख्या है जो बहुत कम है, उस कम संख्या होने के पीछे यह कारण रहा है कि कालांतर में अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11 या 12 के छात्रों के लिए थी, अर्थात इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, 11th या 12th के छात्रों के लिए थी, या फिर उन छात्रों के लिए थी जो 8 9 10 11 या 12 की पढ़ाई करके बीच में ही वो ड्रॉप्स कर देते थे या अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू नहीं करते थे। तो ऐसे छात्रों के लिए या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था थी, ऐसा माना जाता था। प्रिय विद्यार्थियों इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों एक और जो बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में भी है और अतीत में भी रही है कि ऐसे छात्र जो कि कक्षा और 11 और 12 में व्यावसायिक शिक्षा ले लेते हैं या वोकेशनल एजुकेशन ले लेते हैं, तो उस वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा में हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा, स्नातक शिक्षा, परास्नातक शिक्षा के लिए उनके पास कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट मार्ग छात्रों को नहीं मिलता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो व्यवसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको यह पता होता है, उनको यह कहीं कहीं डर होता है कि यदि हम व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन करा लेते हैं या व्यावसायिक शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उसके बाद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है कि हम उच्चतर शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, कहाँ ग्रहण करेंगे और हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो ये जो अस्पष्टता थी, कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था हायर एजुकेशन के लिए, उसकी वजह से भी बच्चे जो है वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा में अपना नामांकन कराने से बचते थे, वोकेशनल एजुकेशन में नाम लिखाने से बचते थे, इंटरमीडिएट लेवल पे वे इन विषयों का चयन करने से बचते थे। मोर इवर स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम ग्रेड्स 11 एंड 12 विथ वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑफन डिड नॉट हैव वेल डिफाइंड पाथवेज टू कंटिन्यू विद देयर चूजन वोकेशन इन हायर एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों यह स्पष्ट है कि ऐसे छात्र, ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 11 और 12 में 11th एंड 12th ग्रेड्स पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाई करते हैं, ऑफन डिड नॉट हैव वेल डिफाइंड पाथवेज टू कंटिन्यू विद देयर चूजन वोकेशन इन हायर एजुकेशन, अर्थात हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के लिए उनके पास कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होता है, कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं होती है कि आगे वे किन विषय से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे या उच्चतर शिक्षा वे कैसे ग्रहण कर पाएंगे। फिर विद्यार्थियों सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे, फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्य धारा की शिक्षा या एकेडमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा में लोगों की रुचि कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि जब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं, तो अभी तक या अतीत में हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के संबंध में जो एडमिशन की बात आती है, प्रवेश की बात आती है, तो जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं प्रिय विद्यार्थी, जो एडमिशन के क्राइटेरिया हैं, उन एडमिशन के क्राइटेरिया में ऐसे छात्र जो इंटरमीडिएट लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किए होते हैं, ऐसे छात्रों के लिए कोई स्पष्ट डिजाइन नहीं होता है कि कैसे हम उन छात्रों को जो एकेडमिक एजुकेशन या मुख्य धारा की शिक्षा है उसके साथ जोड़ने। तो प्रिय विद्यार्थियों यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि
सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश के जो मानदंड है, जो क्राइटेरिया है, प्रिय विद्यार्थियों एडमिशन क्राइटेरिया, ये व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों जो एडमिशन है क्राइटेरिया है वहां पर उसकी डिजाइनिंग में कमी है, वे इस तरह से नहीं डिजाइन किए गए कि जो वोकेशनल स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, जो व्यवसायिक स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, उनका जो है हायर एजुकेशन में प्रवेश हो सके। फलस्वरूप ऐसे छात्र जो है अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्य धारा की शिक्षा से या एकेडमिक एजुकेशन या एकेडमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। तो यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी वजह से व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान, लोगों की रुचि बहुत ही कम थी। द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर जनरल हायर एजुकेशन वर आल्सो नॉट डिजाइन टू प्रोवाइड ओपनिंग टू स्टूडेंट्स हु हैड वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, लीविंग देम एट डिसएडवांटेज रिलेटेड टू देयर कंपेट्रियट्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम्स और अकेडमिक एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों देखिए स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया है उस एडमिशन के क्राइटेरिया में जो जनरल हायर एजुकेशन का जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो जो है बहुत अच्छी तरह से डिजाइन नहीं है कि हम कैसे जो है वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बच्चों को एडमिशन देंगे। टू प्रोवाइड ओपनिंग टू स्टूडेंट्स हु हैड वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिविंग दिम एट अ डिसएडवांटेज रिलेटेड टू देयर कंपेट्रियट्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम और अकेडमिक एजुकेशन, और जिसकी वजह से जो उनके साथ के छात्र हैं जो कि अकेडमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, अकेडमिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके सापेक्ष ऐसे बच्चे जो है वंचित रह जाते थे, ऐसे बच्चे जो है हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे, जिसके कारण भी लोगों का रुझान व्यावसायिक शिक्षा के प्रति बहुत ही कम रहा, लोग व्यावसायिक शिक्षा को या व्यावसायिक स्ट्रीम को चुनने से बचते थे। प्रिय विद्यार्थियों इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद ही कर दिया, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क दैट इज NSQF की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हर्डल्स रही हैं वे हर्डल्स या वे बाधाएं या ये जो हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए जो डिजाइनिंग है वो न हो पाना, या फिर कक्षा 11 और 12 में के छात्रों के ऊपर ही सिर्फ फोकस करना, या सिर्फ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करना, या जो इंटरमीडिएट एजुकेशन जो वोकेशनल स्ट्रीम से करते हैं उनके लिए क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, इसका कोई स्पष्ट मार्ग न होना, ये सभी जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोगों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुझान घटा है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से लोगों का जो व्यावसायिक शिक्षा के प्रति था वो रुझान बहुत ही कम रहा, क्योंकि आगे का कोई स्कोप उनको नहीं दिखता था, और एक ऐसा मुद्दा और यह मुद्दा जिन हम हर्डल्स की बात कर रहे हैं, जिन बाधाओं की या समस्याओं की बात कर रहे हैं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो NSQF है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वहां पर भी इन समस्याओं, इन बाधाओं या इन हर्डल्स के बारे में चर्चा की गई, इन मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है। दिस लीड टू अ कंप्लीट लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम्स, एन इशू दैट हैज ओनली बीन एड्रेस्ड रिसेंटली थ्रू द अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF इन 2013। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से ये जो कारण रहे, ये कारण जो है कंप्लीट लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम्स, अर्थात वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम में लोगों के न आने के बहुत प्रमुख कारण रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि NSQF अर्थात नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा 2013 में उठाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में क्या कुछ कहा गया है। तो अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया और यहाँ पे और भी स्पष्ट हो गया है
कि जो ओकेशनल एजुकेशन है या व्यवसायिक शिक्षा है इसको बहुत ही कम महत्व दिया जाता रहा है अतीत में, और इसका और यह भी माना जाता रहा है कि जो ओकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा है वो मुख्य रूप से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, अर्थात ऐसे छात्र जो जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है, जो अकेडमिक एजुकेशन है उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किसी कारणों से ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं या वे पढ़ने में कमजोर होते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा है ऐसा माना जाता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता रहा है, और यह भी माना जाता रहा है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। वोकेशनल एजुकेशन इज परसीव्ड टू बी इंफीरियर टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड मीन्ड लार्जली फॉर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू कोप विद द लेटर। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जब इन्फीरियोरिटी की बात है, जब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से हम सभी लोग जकड़े हुए हैं, हमारा समाज जकड़ा हुआ है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन, वो ऐसे छात्रों के लिए है जो कि मेन स्ट्रीम की एजुकेशन जो है उसके या मुख्य धारा की जो शिक्षा उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, और जो बच्चे कमजोर हैं ऐसे छात्रों के लिए, इन्फीरियर छात्रों के लिए या स्लो लर्नर्स के लिए ही ओकेशनल एजुकेशन। जब ऐसी हमारी धारणा बनी रहेगी तो ओकेशनल एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान कम होना यह तो निश्चित ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ओकेशनल एजुकेशन इज परसीव्ड टू बी इन्फीरियर, ओकेशनल एजुकेशन को इन्फीरियर माना जाता है, कम महत्व माना जाता रहा है टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, अर्थात मेन स्ट्रीम एजुकेशन की अपेक्षा जो है जो व्यावसायिक शिक्षा है इसको कम महत्व दिया जाता रहा है। एंड मीन लार्जली फॉर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू कोप विद द लेटर्स, और ऐसा माना जाता रहा है कि ऐसे छात्र जो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन या मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, वे किसी कारण से ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा है ऐसा माना जाता रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी धारणा रही है, तो यह धारणा जो है, यह मान्यता जो है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन में छात्रों का रुचि कम है, रुझान कम है, वोकेशनल एजुकेशन में एनरोलमेंट या नामांकन बहुत ही कम है। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुई है, और यह विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो धारणा है कि ओकेशनल एजुकेशन इन्फीरियर है मेन स्ट्रीम के एजुकेशन से, या ओकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा जो है वो ऐसे छात्रों के लिए है जो कि कमजोर है या मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा के शिक्षा से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो यह धारणा जो है कहा जा रहा है कि वर्तमान में भी जस की तस बनी हुई है, और यही वह कारण है जिसकी वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं वो वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा को एक विकल्प के रूप में चुनने से बचते हैं, वे नहीं चुनना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को जो है ये जो पहले से बनी हुई धारणा है वो धारणा प्रभावित करती है। दिस इज अ परसेप्शन दैट अफेक्ट्स द च्वाइस स्टूडेंट्स मेक, अर्थात ये जो परसेप्शन है, यह परसेप्शन कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, इट इज इन्फीरियर टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यही परसेप्शन जो है छात्रों के च्वाइस को प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से जो हमारे मेन स्ट्रीम के छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं, या सभी छात्र जो है व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो क्या है, दोयम दर्जे की शिक्षा है, वह ऐसे छात्रों के लिए है जो कि पढ़ने लिखने में कमजोर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, गंभीर चिंता का विषय है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति लोगों के मन में कैसी धारणा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यह एक गंभीर चिंता का विषय है, और इससे निपटने के इस तत्व को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में छात्रों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार की जाती है। विद्यार्थियों, इट इज अ सीरियस कंसर्न दैट कैन ओनली बी डील्ड विद बाई अ कंप्लीट रीइमेजिनेशन ऑफ हाउ वोकेशनल एजुकेशन इज ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर। विद्यार्थियों, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि यह जो धारणा पहले से चली आ रही है और जो वर्तमान में भी धारणा बनी हुई है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। विद्यार्थियों, यह एक गंभीर चिंता का विषय है, और इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में
पुनर्धारणा लोगों के अंदर बनाई जाए, इसको पुनर्कल्पित किया जाए। तो फिर विद्यार्थी इसको पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है और भविष्य में छात्रों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार से की जाती है इस पर डिपेंड करेगा कि लोगों का रुझान व्यावसायिक शिक्षा में कैसा होता है। इट इज अ सीरियस कंसर्न दैट कैन ओनली डील विद बाई ए कंप्लीट री इमेजिनेशन ऑफ हाउ वोकेशनल एजुकेशन इज ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर। प्रिय विद्यार्थियों, जो व्यावसायिक शिक्षा है या वोकेशनल एजुकेशन है, इसको पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है, इसको रीइमेजिनेशन की आवश्यकता है और लोगों के समक्ष जो है व्यावसायिक शिक्षा की जो पेशकश है उस पेशकश को प्रिय विद्यार्थियों जो ऑफर किया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन, उसको जो है एक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है। और यह नहीं लगना चाहिए लोगों की जो व्यावसायिक शिक्षा है दोयम दर्जे की शिक्षा है या मेन स्ट्रीम के छात्रों में मेन स्ट्रीम के छात्रों के लिए शिक्षा नहीं है या ऐसे छात्रों के लिए शिक्षा है जो कि मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा से अपना सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा है। ये धारणा खत्म करने के लिए हमको जो है व्यावसायिक शिक्षा को एक नए तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और लोगों को यह बताने का प्रयास करना पड़ेगा कि यह जो व्यावसायिक शिक्षा है सभी के लिए है और आने वाले समय की यह नीड है या आवश्यकता है। सभी छात्र, चाहे वो एकेडमिकली बहुत ही ब्राइट छात्र हों, ऐसे छात्रों के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है और व्यावसायिक शिक्षा इन्फीरियर शिक्षा नहीं है, दोयम दर्जे की शिक्षा नहीं है, बल्कि जितना मेन स्ट्रीम के एजुकेशन का महत्व है उतना ही या उससे अधिक जो है व्यावसायिक शिक्षा का महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह जो नीति है इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है। अर्थात जो हमारे समाज में यह धारणा बनी हुई है कि वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा एक इन्फीरियर एजुकेशन है, इस धारणा को, इस सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, तो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ जो है नीतियां बनाई गई हैं और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसका यह एक प्रमुख उद्देश्य है कि व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी जो सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति है वर्तमान में और अतीत में बनी हुई थी और वर्तमान में जो जर्ज की तरह बनी हुई है इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए जो उपाय सुझाए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों उसमें कहा गया कि इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान अर्थात जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, समस्त शिक्षण संस्थान चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में इंटीग्रेट करेंगे, एकीकृत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीधे सीधे कहा गया है कि जो मुख्य धारा की शिक्षा है उस मुख्य धारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन को आने वाले समय में इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, चाहे स्कूल लेवल की बात हो, चाहे कॉलेज लेवल की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की लेवल की बात हो, हर लेवल पे, हर स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन, उस दोनों को एक साथ जोड़ करके, इंटीग्रेट करके छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात मेन स्ट्रीम की शिक्षा भी दी जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा भी उसी के साथ साथ छात्रों को दी जाएगी। ऐसा प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। आगे कहा गया प्रिय विद्यार्थियों कि इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो कि फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आरंभ कैसे किया जाएगा? जो हमने कहा कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा में एकीकृत करेंगे, तो इसकी शुरुआत के लिए कहा गया कि इसकी शुरुआत जो है आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। अर्थात प्रारंभ में इसकी शुरुआत जो हमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने से है कि पहले प्रारंभ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया जाए, सबसे पहले उच्चतर प्राथमिक स्तर पर, फिर माध्यमिक या सेकेंडरी लेवल पर, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन लेवल पर जो है मेन स्ट्रीम के एजुकेशन के साथ साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने का प्रयास
किया जाए। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिस पॉलिसी एम्स टू ओवरकम द सोशल स्टेटस हायरार्की एसोसिएटेड विद वोकेशनल एजुकेशन एंड रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ए फेज्ड मैनर। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि एक फेज्ड मैनर में जो है ये जो धारणा बनी हुई है हमारे समाज में उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए एक चरणबद्ध तरीके से। और उसके लिए कहा गया कि प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे जो सामाजिक पदानुक्रम है इसको तोड़ने की आवश्यकता है, जो सोशल हायरार्की है, सोशल स्टेटस हायरार्की जो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में है इसको तोड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए कहा गया है कि इट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन अ फेज्ड मैनर। अर्थात चाहे वो स्कूल हो, महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, सभी स्तरों पर सभी शिक्षण संस्थानों में जो है व्यावसायिक शिक्षा को मेन स्ट्रीम की शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। बिगिनिंग विथ वोकेशनल एक्सपोजर्स एट अर्ली एजेस इन द मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटली स्मूथली इनटू हायर एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों इसके प्रारंभ के लिए कहा गया है कि इसको हम प्रारंभ कैसे करेंगे, बिगिनिंग विथ वोकेशनल एक्सपोजर एट अर्ली एज इन द मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। अर्थात जो मिडिल स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, मिडिल लेवल सेकेंडरी लेवल पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम के एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। और उसके उपरांत क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड स्मूथली इनटू द हायर एजुकेशन। अर्थात उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा, महाविद्यालयों की शिक्षा में भी क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन अर्थात गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को जो है मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार से परिचित हो। प्रिय विद्यार्थियों अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 में जो कि अन्य शिक्षा नीतियों से हटकर है, वो यह कहा गया है कि जब इस तरह का प्रावधान किया जाएगा, जब व्यावसायिक शिक्षा को जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है, जो मुख्य धारा की शिक्षा उसके साथ एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, तब प्रत्येक बच्चा अर्थात प्रत्येक स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीख पाएगा। अर्थात जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी तो हमारे देश का हर एक स्टूडेंट्स, प्रत्येक छात्र, वो चाहे जिस स्ट्रीम का छात्र हो, प्रत्येक छात्र के पास उसके हाथों में एक हुनर होगा, उसके पास कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल उसके अंदर होंगे, उसके अंदर विकसित होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और उसी के साथ साथ ही अन्य कई व्यवसायों को से भी वह परिचित हो सकेगा, अर्थात अन्य कई व्यवसायों के बारे में भी जान सकेगा और एक व्यवसाय में वह एक्सपर्ट भी हो पाएगा, एक व्यवसाय से जुड़े सभी कौशलों को सीख भी पाएगा। तो इट विल इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड लर्न्स एटलीस्ट वन ओकेशन एंड इज एक्सपोज टू सेवरल मोड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देखिए कुछ अलग है जिसके द्वारा यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एवरी चाइल्ड लर्न्स एटलीस्ट वन वोकेशन, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और साथ साथ इट इज एक्सपोज टू सेवरल मोड्स, अर्थात ऐसे छात्र जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में भी जाने, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से भी परिचित हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों यह है उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में कि आने वाले समय में हमारे देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट्स कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े हुए कौशलों में पारंगत हो, किसी एक व्यवसाय से जुड़े हुए कौशलों को वो अच्छी तरह से सीख चुका हो और साथ साथ अन्य व्यवसायों से भी वह परिचित हो, अन्य जो है जो भी वोकेशंस होते हैं उसके बारे में उसके पास जानकारी हो, उससे वो परिचित हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हम सभी लोगों ने पहले भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो हमारे मातृभूमि से, हमारे भारत भूमि से हमारे छात्रों को जोड़ने की शिक्षा है, हम सभी को मातृभूमि से, राष्ट्रभूमि से, भारत भूमि से जोड़ने की शिक्षा है। तो जब जो है व्यवसायिक शिक्षा को जो प्रमुख धारा की शिक्षा है, मुख्य धारा की शिक्षा उससे जोड़ते हुए
प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक कौशल में कम से कम पारंगत किया जाएगा अपने विद्यार्थियों, तो वह कम से कम किसी न किसी एक कौशल को जानता होगा, एक विद्यार्थियों किसी न किसी एक जो है व्यवसाय के सभी कौशलों को जानता होगा। और इसी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है वह यह होने वाला है कि हमारे छात्रों के अंदर श्रम की महत्ता होगी। प्रिय विद्यार्थी, उनके अंदर जो डिग्निटी ऑफ लेबर की जो भावना है, श्रम की जो महत्ता की भावना है, वह भी विकसित होगा। और साथ साथ वे भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से भी परिचित होंगे। अर्थात हमारी जो भारत की कल्चर रही है, भारत की जो संस्कृति है, या हमारे देश की जो विभिन्न कलाएँ हैं, जो यहाँ के कारीगरी के गुण हैं, या विभिन्न व्यवसायों जो हमारे देश में चलाई जाती रही हैं, या विभिन्न व्यवसाय जो हमारे देश की विशेषताएं हैं, उन व्यवसायों से हमारे छात्र परिचित हो सकेंगे। दिस वुड लीड टू एम्फेसाइजिंग द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस ओकेशंस इन्वॉल्विंग इंडियन आर्ट्स एंड आर्टियनशिप। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जब वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम के एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो इससे सबसे जो बड़ा फायदा होने वाला है वह यह होगा कि हमारे छात्रों के अंदर द डिग्निटी ऑफ लेबर की भावना विकसित होगी। दिस वुड लीड टू द एम्फेसाइजिंग द डिग्निटी ऑफ लेबर, उनके अंदर श्रम की महत्ता की भावना विकसित होगी। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस ओकेशंस इन्वॉल्विंग इंडियन आर्ट्स एंड आर्टियनशिप। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की जो भारतीय कलाएँ हैं या भारत की जो कारीगरी है, उन भारतीय कलाओं और कारीगरी के साथ प्रिय विद्यार्थियों इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसनशिप के साथ ही वे अन्य व्यवसायों से भी परिचित हो सकेंगे, अन्य व्यवसायों के बारे में भी जान सकेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो एक लक्ष्य बनाया गया है वह बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। प्रिय विद्यार्थियों, जो लक्ष्य वो क्या है कि आने वाले समय में वर्ष 2025 तक, प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2025 तक कहा जा रहा है कि स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि 2025 तक कम से कम हम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करेंगे। अर्थात जो 2025 तक प्रत्येक छात्र जो है उसमें से कम 50% छात्र जो है किसी न किसी व्यवसाय के कौशल में पारंगत होगा, किसी न किसी व्यवसाय के कौशलों के बारे में वो जानता होगा, उसमें वो स्किल्ड होगा, उन कौशलों में वो पारंगत होगा, उन कौशलों को सीखा होगा। और फिर विद्यार्थियों, इसके लिए यह भी कहा गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना भी विकसित की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस तरह से स्पष्ट किया गया है कि 2025 तक 50% का जो लक्ष्य है कि जो 50% लर्नर्स हैं, विद्यार्थी हमारे व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव को प्राप्त कर चुके होंगे, इसके लिए हमें एक क्लियर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत होगी। एक क्लियर एक्शन प्लान जिसमें कि हमारा टारगेट और टाइमलाइन, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है विद्यार्थियों, लक्ष्य और समय सीमा स्पष्ट हो, एक ऐसे कार्य योजना को बनाने की, एक ऐसे कार्य योजना को विकसित करने की आवश्यकता होगी। बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन फॉर विच अ क्लियर एक्शन प्लान विद टारगेट्स एंड टाइमलाइन विल बी डेवलप्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि 2025 तक हमें 50% लर्नर्स को स्कूल्स या हायर एजुकेशन के द्वारा जो है उनको व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक्सपोजर देना है, अर्थात उनको व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना है। और इसके लिए क्लियर एक्शन प्लान विद टारगेटेड टाइमलाइंस विल बी डेवलप्ड। अर्थात इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको एक स्पष्ट कार्य योजना या एक्शन प्लान बनाना होगा, जिसमें हमारा लक्ष्य दैट इज टारगेट और टाइमलाइन दैट इज समय सीमा स्पष्ट होगी, निर्धारित होगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 4.4 के साथ संगतता रखते हैं और भारत के जनसंख्या रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। दिस इज
and alignment with the Sustainable Development Goal 4.4 and will help to realize the full potentials of India's demographic dividend. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश की जो जनसंख्या रूपी संसाधन है, इस जनसंख्या रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए यह लक्ष्य बनाया गया। और प्रिय विद्यार्थी, ये सतत विकास लक्ष्यों की लक्ष्य संख्या 4.4 में जो है के साथ संगतता रखते हैं और भारत के जनसंख्या रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। अर्थात जो सतत विकास का लक्ष्य प्रिय विद्यार्थियों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, उस गोल के अनुसार, उस लक्ष्य के अनुसार ही यह भी लक्ष्य है हमारा। उसके साथ संगतता है कि जो व्यावसायिक शिक्षा में हम आने वाले समय में सभी छात्रों को कम से कम किसी एक व्यवसाय के बारे में उनको सिखाएंगे, किसी एक व्यवसाय के कौशलों में वो पारंगत हो पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, यह जो लक्ष्य है, वह जो लक्ष्य है वो सतत विकास के लक्ष्यों के समान ही है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास जनसंख्या रूपी संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उस मानव संसाधन का पूर्णतः उपयोग किया जा सकता है, पूर्णतः उस मानव संसाधन से लाभ उठाया जा सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। GER के लक्ष्यों को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में हम लोग बात किए थे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लक्ष्यों को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वोकेशनल एजुकेशन will be considered while arriving at the GER targets, अर्थात जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER का जो टारगेट है प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो हम निर्धारित करेंगे, तो इसको निर्धारित करते समय जो है, जो हमारे व्यवसायिक या वोकेशनल एजुकेशन के छात्र हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। उनको भी ध्यान में रखते हुए, ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ही GER के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक क्षमताओं का विकास और एकेडमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ साथ होता रहेगा। द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेबिलिटीज या अदर कैपेसिटीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में भी चर्चा किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि जो सामान्य शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों, जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है, उस मेन स्ट्रीम के एजुकेशन के साथ ही साथ छात्र जो है किसी एक ओकेशन में किसी एक व्यवसाय के कौशलों को सीखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि व्यवसायिक क्षमताओं का विकास एकेडमिक या अन्य क्षमताओं के विकास के साथ साथ ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन होगा, जो एकेडमिक एजुकेशन होगा, उसी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ ही सभी छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा। उनको किसी न किसी कम से कम एक व्यवसाय में पारंगत किया जाएगा, एक व्यवसाय के कौशलों को सिखाया जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेसिटीज, अर्थात एकेडमिक कैपेसिटीज या अन्य कैपेसिटीज, अन्य योग्यताओं के साथ साथ ही उनके अंदर वोकेशनल कैपेसिटीज का भी डेवलपमेंट या विकास किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन द एजुकेशनल ऑफरिंग ऑफ आर सेकेंडरी स्कूल्स इन अ फेज्ड मैनर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो लक्ष्य हमारा बनाया गया है कि चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात हो, जहां ये कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम के एजुकेशन के साथ साथ ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, तो इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से, ध्यान दीजिए, अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक स्कूलों के शैक्षिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। अर्थात जो हमारे विद्यार्थियों सेकेंडरी स्कूल्स हैं, माध्यमिक विद्यालयों हैं, इन माध्यमिक विद्यालयों का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो है चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड, अर्थात जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको एकीकृत किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन द एजुकेशनल ऑफरिंग ऑफ आर सेकेंडरी स्कूल्स इन अ फेज्ड मैनर ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अर्थात आगामी जो दशक है विद्यार्थियों, अगले दशक में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगले दशक में माध्यमिक स्कूलों के जो शैक्षिक विषय हैं, उन शैक्षिक विषयों के साथ साथ ही
व्यावसायिक शिक्षा को भी एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। अर्थात छात्र जो है अपना जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है, मुख्य धारा का शिक्षा या एकेडमिक एजुकेशन, उसको प्राप्त करने के साथ साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। टुवार्ड्स दिस सेकेंडरी स्कूल्स विल आल्सो कोलेबरेट विद द आईटीआईज, पॉलिटेक्निक, लोकल इंडस्ट्री इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उन माध्यमिक विद्यालयों में मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ साथ ही वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे माध्यमिक विद्यालय, प्रिय विद्यार्थियों, वे माध्यमिक विद्यालय जो आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है या जो लोकल इंडस्ट्री है, स्थानीय उद्योग है, उनकी सहायता ले सकता है, उनसे संपर्क कर सकता है, उनसे संपर्क या सहायता लेकर के अपने यहाँ के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, टुवार्ड्स दिस द सेकेंडरी स्कूल विल आल्सो कोलैबोरेट विथ आईटीआईज, पॉलिटेक्निक और लोकल इंडस्ट्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आईटीआईज विद्यालय हैं, जो आईटीआई स्कूल्स हैं, आईटीआई कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या लोकल इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज से, इन आईटीआई कॉलेजों से, पॉलिटेक्निक कॉलेजों से जो है संपर्क स्थापित करके, उसके साथ कोलैबोरेशन करके जो हमारे मेन स्ट्रीम के विद्यालय हैं, जो मेन स्ट्रीम के स्कूल्स हैं, वे अपने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित और सज्जित की जाएंगी, जहां अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। स्किल लैब्स विल आल्सो बी सेटअप एंड क्रिएटेड इन द स्कूल्स इन हब एंड स्पोक मॉडल विच विल अलाउ अदर स्कूल्स टू यूज द फैसिलिटी। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आने वाले समय में जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, वो हब के रूप में विकसित किए जाएंगे। हब किस चीज़ का होगा प्रिय विद्यार्थियों? वो प्रयोगशालाओं का हब होगा, कौशल प्रयोगशालाओं का हब होगा। तो स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी, सृजित की जाएंगी, और यहाँ पे अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। अर्थात कुछ विद्यालयों में, कुछ स्कूलों में स्किल लैब्स सेटअप किए जाएंगे। स्किल लैब्स विल आल्सो बी सेटअप एंड क्रिएट इन द स्कूल्स। अर्थात जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में स्किल लैब्स सेटअप किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। वो हब के रूप में होंगे, स्पोक मॉडल के रूप में होंगे। स्पोक मॉडल के रूप में अर्थात ऐसे विद्यालयों में जो है इन हब को या इन प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे अन्य विद्यालय जो हैं, अन्य स्कूल जो हैं, उस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में प्रयोगशालाएं भी स्थापित सृजित की जाएंगी, जहां अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। स्किल लैब्स विल आल्सो बी सेटअप एंड क्रिएटेड इन द स्कूल्स इन हब एंड स्पोक मॉडल विच विल अलाउ अदर स्कूल्स टू यूज द फैसिलिटी। फिर विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं भी या फिर उद्योगियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन के लिए भी कहा गया है कि हायर एजुकेशन जो है वो भी जो है पार्टनरशिप में जो है, जो हमारे उद्योग हैं या जो एनजीओज हैं, उनके साथ जो है पार्टनरशिप करके अपने यहाँ के छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं भी या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वे अपने यहाँ स्वयं भी जो है छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात अपने यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसका उपयोग करके छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन देंगे, या किसी इंडस्ट्रीज के साथ, उद्योगों के साथ, गैर सरकारी संगठनों के साथ जो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं, और उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल ऑफर वोकेशनल एजुकेशन एदर ऑन देयर ओन और इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज एंड एनजीओज। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से स्पष्ट है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वे जो है अपने यहाँ व्यावसायिक एजुकेशन अपने आप, अपने संसाधनों का प्रयोग करके देंगे, या फिर वे पार्टनरशिप करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ, एनजीओज के साथ, और उनके साथ पार्टनरशिप करके, उनके साथ साझेदारी करके अपने यहाँ के छात्रों को व्यवसाय शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री बी ओग, दैट इज बैचलर इन वोकेशनल, पूर्व की तरह ही जारी रहेगी,
लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बैचलर ऑफ वोकेशनल बीओक डिग्रीज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट वोकेशनल कोर्सेज विल आल्सो बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल अदर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि जो 2013 में बैचलर ऑफ वोकेशनल बीओक डिग्री चलाई गई है वो बीओक डिग्री जो है कंटिन्यू रहेगी, वो चलती रहेगी। परंतु इसके अलावा भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, अर्थात और जो छात्र जो है अन्य ग्रेजुएशन के कोर्स में अन्य स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए होंगे, ऐसे छात्रों के लिए भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रावधान जो है संस्था के द्वारा या यूनिवर्सिटीज के द्वारा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा। और विद्यार्थी ये जो स्नातक डिग्री में जो है व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान की बात है, तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है वो है जिसमें 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक पाठ्यक्रम की बात की गई है, अर्थात 4 years मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम की भी व्यवस्था की जाएगी। अर्थात आने वाले समय में छात्र जो है 4 years मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और जिसके अंतर्गत वे व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ अपने स्नातक शिक्षा को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी इस तरह से स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो बीओ की डिग्री है, जो बीओ का कोर्स जो 2013 में लॉन्च हुआ है वो चलता रहेगा, जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है वो चलता रहेगा, और उसी के साथ साथ ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन में या स्नातक सामान्य स्नातक डिग्री कार्यक्रम में भाग लिए होंगे, ऐसे छात्रों के लिए भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी, और जिसमें प्रिय विद्यार्थियों 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल होगा, अर्थात छात्रों के लिए 4 years मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम्स की व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा की जाएगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात की गई है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वे जो है कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी चला सकते हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स की बात की गई है, अर्थात जो व्यवहारिक कौशल की बात की गई है, तो सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो बी अलाउड टू कंडक्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज इन वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग सॉफ्ट स्किल्स। तो विद्यार्थियों इस तरह से शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स जो है उच्चतर शिक्षण संस्थाओं या विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के द्वारा चलाए जाएंगे, जिसमें वे जो है सॉफ्ट स्किल्स और साथ ही साथ वेरियस स्किल्स या विभिन्न जो कौशल हैं विद्यार्थियों, उन विभिन्न कौशलों और व्यवहारिक कौशलों या सॉफ्ट स्किल्स के बारे में उनको शिक्षा दी जाएगी, और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा चलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। दैट इज लोक विद्या दैट इज इंपॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स थ्रू इंटीग्रेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोक विद्या की बात की गई। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान। तो भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक जो ज्ञान है प्रिय विद्यार्थियों, उस ज्ञान से जो है छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। अर्थात लोक विद्या जो है प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया, उसको हम लोक विद्या कहते हैं। अर्थात भारत में जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान विकसित हुए हैं उसको हम लोक विद्या कह रहे हैं। उस लोक विद्या से छात्रों के जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, जो व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम है, उससे इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। तो साधारण शब्दों में कहें कि व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लोक विद्या या भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान भी होंगे। लोक विद्या दैट इज इंपॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स थ्रू इंटीग्रेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। तो जो वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो है लोक विद्या की जानकारी भी होगी, अर्थात
जो इंडियन ओकेशनल नॉलेज है प्रिय विद्यार्थियों, उस इंडियन ओकेशनल नॉलेज या भारतीय जो है व्यावसायिक जो ज्ञान है, उस भारतीय व्यावसायिक ज्ञानों को भी छात्रों के जो व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसके साथ जोड़ा जाएगा, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। जहाँ भी संभव है ODL मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी प्रिय विद्यार्थियों। और साथ साथ छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए, छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग को भी देखा जाएगा कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में क्या संभावनाएँ हो सकती हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग अर्थात दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के द्वारा जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कैसे संचालित किया जा सकता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या व्यावसायिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है, इसकी जो भी पॉसिबिलिटीज होगी, जो भी संभावनाएं होंगी, उन संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा। द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑफरिंग ओकेशनल कोर्सेज थ्रू ODL मोड विल बी एक्सप्लोर्ड। अर्थात आने वाले समय में विद्यार्थियों ओपन डिस्टेंस लर्निंग अर्थात दूरस्थ और मुक्त शिक्षा जो है, उस दूरस्थ मुक्त शिक्षा के द्वारा भी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन अ फेज्ड मैनर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। विद्यार्थियों जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि अगले दशक में आने वाले समय में जो व्यावसायिक शिक्षा है वो जो है जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है, जो एकेडमिक एजुकेशन है, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, उस साथ साथ ही चलेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। ध्यान दीजिए, वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हायर एजुकेशन हो। तो प्रिय विद्यार्थियों हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा को जो मुख्य धारा की शिक्षा उसके साथ एकीकृत करने का प्रयास अगले दशक में किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ए फेज्ड मैनर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अर्थात अगले दशक में एक फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों की शिक्षा में और उच्चतर शिक्षा में जो कोर्स है विद्यार्थियों, जो मुख्य धारा के कोर्स है, मुख्य धारा के पाठ्यक्रम, उस मुख्य धारा के पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी एकीकृत किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण या स्किल गैप एनालिसिस और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। फोकस एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी चोजन बेस्ड ऑन द स्किल गैप एनालिसिस एंड मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज। अर्थात विद्यार्थियों जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा का फोकस एरिया होगा, जो मुख्य क्षेत्र होंगे, जिन क्षेत्रों या जिन कौशलों को या जिन व्यवसायों को सिखाया जाएगा, उन व्यवसायों के एनालिसिस जो है वो स्किल गैप एनालिसिस और साथ ही साथ स्थानीय अवसर पर किन व्यवसायों की मांग है, किन कौशलों की मांग है या किस जो है किन व्यवसायों की आवश्यकता है स्थानीय स्तर पर, उन स्थानीय अवसरों या स्थानीय स्तर की जो जिन व्यवसायों की आवश्यकता होगी उन्हीं व्यवसायों में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात फोकस एरियाज फॉर ओकेशनल एजुकेशन विल बी चोजन बेस्ड ऑन द स्किल गैप एनालिसिस एंड मैकिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज। अर्थात स्थानीय अवसर या स्थानीय आवश्यकताओं या स्थानीय क्षेत्र में किस व्यवसाय को, किस ओकेशन को महत्व मिला है, किस व्यवसाय या किस ओकेशन की आवश्यकता है, किस ओकेशन में छात्रों का भविष्य है, उस स्थानीय अवसरों के आधार पर, उस लोकल अपॉर्चुनिटीज के आधार पर, साथ साथ कौशल अंतर विश्लेषण अर्थात किस कौशल को छात्र हमारे नहीं जानते हैं, किस कौशल से छात्र जो है अनजाने हैं, किस कौशल के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, उस स्किल गैप एनालिसिस के द्वारा उसका पता लगा करके छात्रों को उन व्यावसायिक कौशलों या उस व्यावसायिक शिक्षा के उस फोकस एरिया पर ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा का जो फोकस एरिया का चुनाव होगा वो स्किल गैप एनालिसिस और स्थानीय अवसर के आधार पर किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्र समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन दैट इज NCIVE का गठन करेगा। प्रिय विद्यार्थियों
MHRD will constitute a National Committee for the Integration of Vocational Education, that is NCIVE, consisting of experts in vocational education and representatives from across ministries in collaboration with industry to oversee this effort. प्रिय विद्यार्थियों, अब इसकी जो योजना बनाई गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसमें कहा गया है कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, प्रिय विद्यार्थियों, जिसको कि अब शिक्षा मंत्रालय भी कहा जा सकता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यवसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगी। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है या मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसी की देखरेख में जो इंडस्ट्री या उद्योग हैं, उन उद्योगों की सहायता से व्यवसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ या व्यवसायिक शिक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को लेकर के और व्यवसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों को लेकर के NCIVE का गठन किया जाएगा। NCIVE अर्थात नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो MHRD विल कंस्टिट्यूट NCIVE कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इन वोकेशनल एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री टू ओवरसी द एफर्ट। विद्यार्थी, इस तरह से NCIVE की स्थापना की जाएगी और इसमें जो है उद्योगों की सहायता होगी, व्यवसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ भी होंगे, व्यवसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी होंगे, उन सभी को मिलाकर के नेशनल, विद्यार्थी, उन सभी को मिलाकर के नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या NCIVE की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों, इसके लिए सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों, और फिर उन्हें NCIVE द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करें, ताकि व्यवसायिक शिक्षा की पहुंच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस दैट आर अर्ली अडॉप्टर्स मस्ट इनोवेट टू फाइंड मॉडल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वर्क एंड देन शेयर दीज विद अदर इंस्टीट्यूशंस थ्रू मैकेनिज्म सेट अप बाय NCIVE सो एज टू हेल्प एक्सटेंड द रीच ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले जो भी संस्थान होंगे, जो भी महाविद्यालय होंगे, विद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, ऐसे संस्थानों के लिए आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हो, अर्थात वे जो है कुछ मॉडल और प्रोसेस या प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हो, जिसमें हमें सफलता मिली हो, और उन्हीं मॉडल और प्रणालियों को NCIVE के द्वारा उनको अवगत कराया जाए, उनके द्वारा संस्थापित के माध्यम से इन संस्थानों के साथ साझा करें, अर्थात उन मॉडल और उन प्रणालियों को अन्य संस्थाओं के साथ, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझा किया जाए, ताकि व्यवसायिक शिक्षा की पहुंच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। तो विद्यार्थी, इस तरह से जो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, अर्थात जो अपने यहाँ सबसे पहले जो है इसको लागू करेंगे, वे उनको जो है आवश्यकता है कि वो कुछ मॉडल्स और प्रैक्टिसेस, अर्थात कुछ मॉडल और प्रणालियों की खोज करेंगे, और उसके बाद उन मॉडल और प्रणालियों को जो है NCIVE के साथ साझा करेंगे, जिससे कि उन प्रणालियों, उन मॉडलों का प्रयोग करके अन्य जो भी शिक्षण संस्थान है उनके साथ जो है उसको साझा किया जाए और व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, व्यवसायिक शिक्षा की पहुँच को विस्तृत करने का प्रयास किया जाए, व्यवसायिक शिक्षा की पहुँच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। व्यवसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप्स विल बी एक्सपेरिमेंटेड बाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अर्थात जो भी व्यवसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडल होंगे, प्रिय विद्यार्थियों, जो विभिन्न प्रक्रियाएँ होंगी, उन विभिन्न मॉडलों और प्रक्रियाओं को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप विल आल्सो बी एक्सपेरिमेंटेड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अर्थात अप्रेंटिसशिप और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मॉडल होंगे, जो भी मॉडल विकसित किए जाएंगे, उन मॉडलों का प्रयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा भी किया जाएगा। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में
इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इनक्यूबेशन सेंटर्स विल बी सेटअप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज, अर्थात जो उद्योग होंगे, जो इंडस्ट्रीज होंगी, उन उद्योगों इंडस्ट्रीज के साथ उनके साथ साझेदारी करके महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटर्स या इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विल बी डिटेल्ड फर्दर फॉर ईच डिसिप्लिन, ओकेशन एंड प्रोफेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों स्पष्ट है कि जो NSQF होगा, जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा, इस फ्रेमवर्क में प्रत्येक विषय या प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक विस्तार की संभावना होगी, उसको अधिक विस्तार दिया जाएगा। तो NSQF को प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा, अर्थात तो वहाँ पे स्कोप, वहाँ पे क्षेत्र, वहाँ पे एरिया बढ़ाने का प्रयास NSQF के द्वारा किया जाएगा। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विल बी डिटेल्ड फर्दर फॉर ईच डिसिप्लिन, ओकेशन एंड प्रोफेशन। प्रत्येक व्यवसाय के लिए, प्रत्येक ओकेशन के लिए, प्रत्येक रोजगार के लिए जो है उसको जो है डिटेल किया जाएगा, उसको विस्तृत किया जाएगा, उसको विस्तार प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ भी जोड़ा जाएगा। फर्दर इंडियन स्टैंडर्ड्स विल बी अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, प्रिय विद्यार्थियों जो भी मानक बनाए गए हैं, उन मानकों के साथ जो है हमारे देश के मानकों को भी वर्गीकृत या करने का प्रयास, उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों, मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड्स होंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स या भारतीय मानक होंगे, वे सभी मानक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं, उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात जो मानक होंगे हमारे, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए मानक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उन्हीं के साथ जो है भारतीय मानकों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उसको उसके साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, दिस फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। प्रायर लर्निंग अर्थात पूर्ववर्ती शिक्षा की जो भी आवश्यकताएं होंगी प्रिय विद्यार्थियों, उन आवश्यकताओं के लिए एक बेस का काम करेगा, एक फ्रेमवर्क का काम करेगा। दिस फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग, अर्थात पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए यह जो फ्रेमवर्क होगा प्रिय विद्यार्थियों, वह फ्रेमवर्क एक बेसिस का काम करेगा, अर्थात तो उसके लिए एक आधार प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके माध्यम से ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। थ्रू दिस ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द फॉर्मल सिस्टम विल बी री इंटीग्रेटेड बाई अलाइनिंग देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द रिलेवेंट लेवल ऑफ द फ्रेमवर्क। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो ड्रॉप आउट छात्र हैं, जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी भी कारण से अपनी जो मेन फ्रेम की एजुकेशन है, मुख्य धारा की एजुकेशन है विद्यार्थियों, मेन स्ट्रीम की एजुकेशन, उसको छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, तो ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अर्थात जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, उनको पुनः जो है जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल सिस्टम है, उससे री इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जाएगा, उससे उन्हें पुनः जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। थ्रू दिस ड्रॉप आउट फ्रॉम द फॉर्मल सिस्टम्स विल बी री इंटीग्रेटेड बाई अलाइनिंग देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद द रिलेवेंट लेवल ऑफ द फ्रेमवर्क। इसके माध्यम से ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अर्थात ऐसे छात्र जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने किसी भी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसे छात्रों को पुनः जो है फॉर्मल जो सिस्टम है, जो औपचारिक प्रणाली, उससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क छात्रों को सामान्य से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जिस फ्रेमवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्रेमवर्क कैसा है, क्रेडिट आधारित फ्रेमवर्क है। और यह फ्रेमवर्क जो होगा छात्रों को, स्टूडेंट को सामान्य शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने के लिए सुगम बनाएगा। द क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क विल आल्सो फैसिलिटेट मोबिलिटी अक्रॉस जनरल एंड ओकेशनल एजुकेशन। अर्थात जो फ्रेमवर्क होगा प्रिय विद्यार्थियों क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क होगा, और यह एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा जो छात्रों को जनरल एजुकेशन से ओकेशनल एजुकेशन की तरफ मोबाइल होने में, अर्थात सामान्य शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जाने में उनके लिए सुगम होगा, उनके लिए लाभकारी होगा यह क्रेडिट आधारित फ्रेमवर्क। तो प्रिय विद्यार्थियों क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क, क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क छात्रों को सामान्य से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने के लिए सुगम बनाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई बहनों प्यारे साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, आज की कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने यह देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रहे हैं, उसमें हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहा गया है, व्यावसायिक शिक्षा के नवीन आकल्पन या री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत क्या कुछ प्रावधान किया गया है, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नई कल्पना की गई प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह बात है कि आने वाले समय में चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे कॉलेज लेवल का एजुकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन हो, यह प्रयास किया जाएगा कि सभी छात्र, सभी विद्यार्थी जो है कम से कम किसी एक व्यवसाय के कौशलों को सीख सकें, सभी छात्रों के पास कम से कम जो है किसी एक व्यवसाय के कौशल में वो पारंगत हों, कम से कम किसी एक व्यवसाय के कौशलों के बारे में उनको जानकारी हो, किसी एक व्यवसाय के कौशलों को अच्छी तरह से सीख चुके हों, और साथ साथ अन्य कौशलों से भी या अन्य व्यवसाय के कौशलों से भी परिचित हों, अन्य व्यवसाय से भी परिचित हों, उनके अंदर जो है डिग्निटी ऑफ लेबर अर्थात श्रम के प्रति जो है जो उनकी भावना है उस सकारात्मक भावना विकसित हो सके, और साथ ही साथ आने वाले समय में ऐसे छात्र जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन ड्रॉप आउट छात्रों को मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यह लोगों के अंदर धारणा बनी हुई है कि वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा ऐसे छात्रों के लिए है जो मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा की जो शिक्षा है उसमें वे सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन है, तो ये इस धारणा को दूर करने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के द्वारा किया गया है कि आने वाले समय में यह जो धारणा है उस धारणा को दूर करना है, और यह प्रयास करना है कि सभी छात्र, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, कॉलेज लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, सभी छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए, वे कम से कम किसी एक व्यवसाय के कौशलों को अच्छी तरह से सीख सकें, एक व्यवसाय के कौशलों में वे पारंगत हो सकें, और साथ ही साथ अन्य व्यवसायों के बारे में भी उनकी जानकारी हो सके, उससे भी वे परिचित हो सकें। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी करिए, कमेंट्स के द्वारा जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो उसको भी आप हम तक पहुँचाइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी कोर्स से रिलेटेड, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रिय विद्यार्थियों जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, यदि लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी, जितनी भी नई क्लासेस होंगी प्रिय विद्यार्थियों, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।